बड़वाह के नावघाट खेड़ी के सैकड़ों मजदूरों ने सोमवार को विधायक सचिन बिरला के समक्ष पहुंचकर आपबीती सुनाई। मजदूरों ने विधायक से गुहार लगाई कि हमें आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुटीर के लिए नावघाट खेड़ी से रेत निकालने की अनुमति दी जाए, क्योंकि बाहर से रेत बुलाकर जो लोग स्टॉक करते हैं वो हमें 7 से 8 हज़ार रुपये में एक ट्रॉली रेत दे रहे हैं। आप ही हमें बताएं कि शासन द्वारा हमें केवल मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जा रहे हैं, यदि 8,000 से एक ट्रॉली रेत खरीदेंगे तो मकान कैसे बना पाएंगे। विधायक ने मजदूरों को कुटीर के लिए नावघाट खेड़ी से रेत लाने के लिए आश्वासन दिया कि कलेक्टर से चर्चा करके पंचायत के सरपंच को अधिकृत करवाएंगे कि जिनकी कुटीर बन रही है उन्हें नर्मदा जी से पत्थर, बंटा और रेत लाने की अनुमति दी जाए। विधायक सचिन बिरला के निवास पर पहुंचे मजदूरों ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि सरकार द्वारा हमें पक्के मकान बनाने के लिए कुटीर मिली है, जिसके निर्माण के लिए नर्मदा जी से पत्थर, बंटा, ट्रैक्टर द्वारा एवं बोरियों से रेत ले जाकर कुटीर का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक गुलबीर सिंह भाटिया एवं उनके अन्य साथियों द्वारा रेत ले जाने वाले मजदूरों से मुफ्त में 2 ट्रॉली रेत मांगी जाती है, नहीं देने पर शिकायत सहित अन्य धमकी दी जाती है। यही कारण है कि प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह से नावघाट खेड़ी पर सख्ती करते हुए ट्रैक्टरों द्वारा पत्थर, बंटा एवं बोरियों में रेती ले जाना बंद कर दिया गया। इसके कारण हमारे मकान का कार्य रुका हुआ है। कर बोलो। विधायक जी के पास आए भैया, हमारे खुटिया आई है, हमको रेत बहुत महंगी पड़ रही, बड़वाई से 8,000 में ट्रैक्टर पड़ रहे, हम खुटिया कैसे बनाएंगे, हम गरीब आदमी है। सरकार हमको कितने पैसे दे रही खुटिया का, 1,20,000-30,000 में होता क्या है। और थोड़ी बहुत हम रेती, बंडा जो भी लगते हैं तो हमारे गांव की साइड में हम वहाँ से ला सकते हैं, तो हमको वहाँ से लाने को छूट दियो, हम कैसे मकान बनाएंगे और कैसे बच्चे पालेंगे, हम हमारा हो गया क्या, हम तो पहले गरीब आदमी। आज अब शिकायत करने के लिए कहाँ पर आए? वो हम विधायक जी से गए, हम विधायक जी पास भी आया भैया, और विधायक जी से हमने मांग करी हमारी कि हमको दियो, और ऐसे तो हमको लोग चमकाते धमकाते आके, तो हम चमकन तो गरीब आदमी है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम तो अनपढ़ आदमी, हम चमक जाते हैं तो हमको उल्टी बात बोलते हैं, हम बता नहीं सकते आपको बता नहीं सकते, उल्टी सुलटी बात बोलते हैं तो हम तुमको आप कह भी नहीं सकते कि क्या बोलते हैं, ये तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम गरीब आदमी क्या करेंगे, हमारी पंचायत में हमको कुछ भी मांग दो, कोई भी रहती है महंगी जा रही है तो उसको बिगर रल्टी से जहाँ से आएगा, नहीं तो हर मजदूर वहाँ पे जाकर धरना दे देंगे हम। क्या नाम है आपका? सीता भाई। आपका नाम क्या है? आज नावघाट खेड़ी के कुछ मजदूर वर्ग, महिलाएं और पुरुष आए हैं, जिनकी शासन की तरफ से लगभग 24 कुटीरें सेंक्शन हुई है, लेकिन रेत के अभाव में उन लोगों को रेत काफ़ी महंगी खरीदना पड़ रही है और उनकी रेत की बहुत समस्या है, उसको लेके इन्होंने मुझे आवेदन दिया है और प्रभारी मंत्री जी से इन लोगों ने निवेदन किया है। इसके पूर्व में ये लोग विधायक के पास भी गए हैं, विधायक महोदय के पास, उन विधायक जी ने भी इन्हें पूरा आश्वासन दिया है और कलेक्टर से बात भी की है कि जो भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और रेत का जो अवैध परिवहन हो रहा है उसे भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा, और मेरी प्रभारी मंत्री जी से भी यही निवेदन इनके ज्ञापन के मार्फत रहेगा कि जल्द से जल्द ये जो अवैध परिवहन हो रहा है और अवैध उत्खनन हो रहा है और रेत लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये ट्रॉली में दी जा रही है, जो इन मजदूरों के लिए लेना सक्षम नहीं है मजदूरी को लेने में, और मेरी मंत्री जी से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो ये ठेके निरस्त हुए इनका पुनः ठेकों को वापस से सरकार के द्वारा कराया जाए, ताकि सरकार को भी राजस्व मिले और इन मजदूरों को भी काम मिले और इन्हें उचित मात्रा में और उचित रेट में रेत की सप्लाई हो सके। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है, मैं इनकी बात जल्द से जल्द मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और विधायक जी से भी बात करके निवेदन करूंगा कि कलेक्टर महोदय को सूचित करें कि जो ये अवैध परिवहन हो रहा है और जो ये लोग इनका काम बंद करके, मैं नहीं कहता कि अवैध उत्खनन अच्छी बात है, अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए लेकिन अवैध परिवहन भी बंद होना चाहिए, इसका विधिवत रूप से कुछ न कुछ जो भी शासन के अंतर्गत आए उसकी रेट ठेकों की पुनः नीलामी करें, ताकि इन मजदूरों की मजदूरी भी न मारी जाए और इन्हें रेत की उचित मात्रा में और उचित रुपए में उपलब्ध हो सके, ताकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीरें आई है ये इनका निर्माण कर सकें और जल्द से जल्द इसका लाभ ले सकें। नावघाट खेड़े के हमारे सभी परिवार के साथी और विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें
सैकड़ों की संख्या में आ गई है। और मैं समझता हूँ नावघाट खेड़ी नर्मदा जी के किनारे पर बसा हुआ गांव है। जैसा इन्होंने मुझे बताया है कि शासन की बहुत सारे आवास, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, शासन की योजनाओं को अमली जाना पर पहनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, छोटे छोटे कच्चे मकान उनको बनाने के लिए, आवास जो आए हैं कुटेरे आई हैं उनको बनाने के लिए, इनको रेत और बंडे की जरूरत लगती है। और साथ में माँ नर्मदा के किनारे होने के कारण कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी इन लोगों को मिलते हैं, उन सबको कई लोग छीनने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज ही कलेक्टर साहब से बात करूँगा कि इनको आवास के लिए बंडा ले जाने दिया जाए, रेत ले जाने दिया जाए, घर परिवार को रोजगार उपलब्ध हो, इस भाव को लेकर इनको कुछ छूट दी जाए। आज कम से कम करीबन 150-200 परिवार की हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हितों में काम करती है। अगर इस तरह से गरीबों को रोका जाएगा, उन पर जुल्म और अत्याचार होंगे, तो बिल्कुल हम लोग सहन नहीं करेंगे, पूरी कार्रवाई होगी। और माँ नर्मदा के तट इन्हीं लोगों के हैं, इनसे भी हम यही आज निवेदन करने वाला हूँ कि माँ नर्मदा के तटों को सुरक्षित रखने का काम भी आप लोगों का है। बिल्कुल अपने को जितनी ज़रूरत लगे अपने घर परिवार में उतना भंडार रेत लेकर जाएं और अपने घरों का निर्माण करें। आप सभी इस यहाँ पर इतने सारे लोग उपस्थित हुए, मैं आपकी बात कलेक्टर महोदय तक, SDM को, सब लोगों को आज ही पूछूंगा। ये 7-8 हज़ार रुपये में एक ट्राली माल रेत का मिल रहा है, और बाहर से जो लोग भी माल ला रहे हैं, अगर बिना रॉयल्टी का होगा तो उसकी धरपकड़ करवाएंगे, उस माल को जब्त करवाएंगे। और हमारे इन परिवारों को जो भी आवास, सरकारी आवास जिनके घरों में बन रहे हैं, उनको रेत उपलब्ध कराने का काम सरकार का है। कम से कम पैसे में इनके आवास तक जाएं, इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से बात करूंगा मैं, और अधिकृत हमारे पंचायत के सरपंच साहब को करेंगे, को एक पत्र जारी करें कि फलाने व्यक्ति का मकान बन रहा है, उसको रेत की आवश्यकता है। तो एक बड़वा से वाजिद खान की रिपोर्ट।